सभी सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हजार रुपए हैं। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाड़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए। यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। स्टॉप